कौन है ये शॉट? कहां से आता है ये शॉट? कौन खेलता है ये शॉट? और इसका आंसर है कि रियल क्रिकेट 22 का ये शॉट है और लोग जो है वो भी इसको खेलेंगे या मोस्ट प्रॉब्ली खेलने की ट्राई करेंगे। तो ये गोल्ड शॉट का रिव्यू है 519। ये एक स्ट्रोक शॉट है, रियल क्रिकेट 22 वालों ने लॉफ शॉट के बजाय स्ट्रोक शॉट दे दिया और मुझे नहीं समझ आया कि वो किस तरह चाहते हैं कि अपने यूज़र्स को वो लॉफ के बजाय स्ट्रोक पे जो है वो ज़्यादा इनक्रेज करें। 5 ओवर्स में रियल क्रिकेट में ओरिजिनली भी अगर आप क्रिकेट ओरिजिनल खेल रहे हैं 5 ओवर्स में आप स्ट्रोक नहीं खेलते, आप लॉफ्ट ही खेलते हैं। एनीवे इसको बुक में देख लेते हैं। ये 12 PM का जो है शॉट है शॉट बुक का और आपने जो है इसको अगर 8 फ्रेगमेंट्स आपने इसको यूज़ करने हैं, आपने अपने ज़ाया करने हैं 8 फ्रेगमेंट्स, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। मैंने तो कर लिया क्योंकि आप लोगों के लिए रिव्यू देना था। और 12 PM का एग्जैक्टली ये शॉट है और ये स्पेशल बटन पे लगता है स्ट्रोक बटन दबा के। और इस शॉट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस किए जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये जो शॉट है ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे यूज़र्स इसको बाय करें। रियल क्रिकेट 22 वालों को सोचना चाहिए कि आपके जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं अच्छी बैटिंग हो, सिक्सेस लगे, वो स्ट्रोक शॉट्स के ऊपर फोकस इतना नहीं करते। आप उनको स्पेशली फोकस करा रहे हैं स्ट्रोक शॉट्स के ऊपर, जो कि आई थिंक एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। एनीवे इसको हम सेट भी कर सकते हैं, तो 12 PM पे हम जो है इसको सेट कर देंगे हर बैट्समैन के लिए, चाहे वो रेडिकल हो, ब्रूट हो, डिफेंसिव हो, बैलेंस्ड हो, और हम उसके बाद जो है इसको रियल टाइम मैच में देखेंगे। इस शॉट की पोजीशन की बात की जाए तो ये वन स्टेप का जो है ये डिस्टेंस जो है वो बेस्ट रहेगा, इस वन स्टेप अवे आप रखें। और ये फुल बॉल्स के लिए और यॉर्कर्स बॉल के लिए अफेक्टिव है। मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभार एंगल को देखते हुए 1.5 स्टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझसे एक ही अजीब चीज़ हो रही थी कि जब मैं इस शॉट को सेलेक्ट करके मारने की कोशिश कर रहा था स्ट्रोक दबा के, तो वो दूसरे शॉट्स खेल रहा था जो कि वही शॉट लॉफ पोजीशन में रखे हुए। ये मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा था, पर ये बार बार हो रहा था और इस वजह से शॉट को खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आप जो है ये शॉट आप फुल बॉल्स के लिए ही खेल सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और आप जो है इस पे स्टंप जो है वो आउट नहीं होंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि शॉट इतना इफेक्टिव नहीं है और मैं रेकमेंड नहीं करता कि यूज़र्स जो हैं इसको बाय करें। और इसके अलावा फ्री शॉट्स और हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।